गैंगस्टर लॉरेंस ने 3 साल पहले कोर्ट के बाहर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। 3 साल पहले जोधपुर के डॉक्टर सुनील चांडक से जबरन वसूली का दबाव बनाने के लिए उनके घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गे भोमाराम को कल कड़ी सुरक्षा में ADJ कोर्ट में पेश किया गया। लॉरेंस को इस मामले में उनके ऊपर लगे आरोप सुनाए गए। पुलिस सुरक्षा में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुके लॉरेंस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। उसे अजमेर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कल बेहद कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में लॉरेंस व भोमाराम को डॉक्टर चांडक के घर के बाहर की गई फायरिंग के मामले में आरोप सुनाए गए। आरोप जानने के बाद कोर्ट में लॉरेंस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लॉरेंस की ओर से पक्ष रखते हुए बताया गया कि घटना के वक्त लॉरेंस जेल में बंद था और ऐसे में वह किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं कर सकता। आज तो लॉरेंस के आरोप सुनाए गए हैं 307 120 बी के, और उस वक्त लॉरेंस खुद जेल में था। 307 120 बी भारतीय दंड संहिता का आरोप सुनाया गया है जिसे लॉरेंस ने मना कर दिया, खंडन कर दिया। जेल में था ये तो रिकॉर्ड पर है। उसने अपना आरोपों जो आरोप सुनाए गए थे उसे फाइलिंग करने के 307 120 बी के षड्यंत्र के, उसको मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, मेरे पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठी चार्जशीट पेश की गई।